दीवान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र यादव आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक एंजाइम के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के डेफिनेशन क्या है, एंजाइम के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, एंजाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, एंजाइम का बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या होता है, एंजाइम के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्लासेस हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग भी एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज हम देखते हैं कि एंजाइम क्या है। सबसे पहले जो हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे मित्रों, वो सबसे पहले हम आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, एंजाइम की परिभाषा क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप एक लाइन में याद कर सकते हो, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम की डेफिनेशन क्या है एक बार फिर से सुनेंगे, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम को हम बोलते हैं एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये मतलब जैसे जब हम लोगों ने कैटलिस्ट पढ़ा होगा उस समय देखा होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो डिक्रीज कर देते हैं या फिर इंक्रीज कर देते हैं। तो रेट को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना कैटलिस्ट का काम होता है, बट एंजाइम क्या हैं? एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। दैट इज ये किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, या तो डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछा जाता है इसके डेफिनेशन से तो आपको सिंपल सा यही लिख देना है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। अगर इनके नेचर की बात करें मित्रों, तो नेचर में अगर हम बात करें तो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो आपको क्या करना है, एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। मतलब ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। मतलब याद रखेंगे आप प्रोटीन टर्म को कि ये कैसे नेचर वाले होते हैं, प्रोटीन नेचर वाले होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, अगर दूसरी बात करें हम तो कहने का मतलब जो एंजाइम की डेफिनेशन अगर हम तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंजाइम के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपस में मिलकर एंजाइम का निर्माण करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट एंड प्रोटीनियस इन नेचर, मतलब प्रोटीन प्रवृत्ति वाले होते हैं। बट हियर वी डिस्कस अबाउट टू द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, दैट इज बात करते हैं हम होलो एंजाइम की। किसकी बात करेंगे? होलो एंजाइम की बात करें, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक हमने सर्किल जनरेट किया है। इस सर्किल के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके जो थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स? थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसको हम तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? कितने रीजन में डिवाइड कर देंगे? तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे। पहला रीजन इसका शो करता है को एंजाइम को। किसको शो करेगा? को एंजाइम को। मेरी बात सुनते रहेंगे ध्यान से, को एंजाइम। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है एपो एंजाइम का, एपो एंजाइम। और जो तीसरा रीजन होता है वो होता है को फैक्टर का, एपो एंजाइम को फैक्टर। ये एपो एंजाइम है, दैट इज इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे होलो एंजाइम। क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। देखिए स्टूडेंट्स, एपो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं, अर्थात एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं हम एपो एंजाइम किसको कहेंगे, को एंजाइम किसको कहेंगे और को फैक्टर किसको कहेंगे। सुनिए ध्यान से, एपो एंजाइम क्या होते हैं, इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं अगर हम नहीं रटना चाहते हैं। तो देखिए किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, दैट इज प्रोटीन वाला जो भाग होता है, उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे।
प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, दैट इज ये देखिए पी डिनोट करता है प्रोटीन पार्ट, ये पी इस वाले सेक्शन में हमने लिख दिया, पी का मतलब प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एपोएंजाइम। सिंपल सी डिफिनीशन है, प्रोटीनियस पी का मतलब होता है प्रोटीनियस, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एपोएंजाइम, मतलब प्रोटीन वाले भाग को ही हम एपोएंजाइम के नाम से जानते हैं। दूसरा, दूसरी बात आती है जो हम सेक्शन इसमें तीन भागों में हमने डिवाइड किया होलो एंजाइम को, उसमें कोएंजाइम आता है, दैट इज सीधी सी बात है, यहां पर अगर हम लिख दें एन पी, दैट इज एन का मतलब नॉन, पी का मतलब प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम कॉल्ड कोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम कॉल्ड कोएंजाइम। कहने का मतलब मित्रों ये है कि जो कोएंजाइम होता है वो किसी भी प्रोटीन का नॉन प्रोटीन पार्ट, अप्रोटीन युक्त भाग होता है, मतलब प्रोटीन नहीं होता है, जबकि एपोएंजाइम क्या होता है, वो प्रोटीन पार्ट होता है। अब आइए हम तीसरे सेक्शन की बात करते हैं जिसको हम कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। अब क्या कोफैक्टर क्या है, व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर में देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। ये दोनों देखो जब एपोएंजाइम कोएंजाइम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इसका फंक्शन हमने देखा, कैटालिस्ट का जो फंक्शन होता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, वो इतना अच्छा दोनों संपादित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोफैक्टर दैट इज मेटल आयंस जो होते हैं वो एक तरीके से कैटालिस्ट का काम करते हैं और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं या फिर इंक्रीज कर देते हैं। जैसे निकल, फेरस, एफी, ये सब क्या है, ये कोफैक्टर, दैट इज मेटल आयन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स किसकी, होलो एंजाइम की। होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम एक संपूर्ण एंजाइम होता है जो कि तीन चीज़ों को इंक्लूड करता है, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर मेटल आयन पार्ट होता है जो इसमें एक तरीके से कैटालिस्ट का काम करता है। ये सिंपल सी बात थी, हमने देखा एपो एंजाइम को एंजाइम कोफैक्टर। अब आइए हम बात करते हैं थोड़े से और कुछ बिंदुओं के बारे में जिनको समझना ज़रूरी है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। देखिए आइए बात करते किसकी, नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम, नामकरण कैसे करते हैं दोस्तों। जब कोई एंजाइम डिस्कवर होता है, किसी एंजाइम को खोजा जाता है, फिर उसके नोमेनक्लेचर के लिए आईयूबी जो है उसने क्या किया है, दैट इज़ उसने कैसे किसी एंजाइम को नाम दिया है उसको जानेंगे। तो देखिए इसमें जितने भी एंजाइम आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो मित्रों, कि अगर जिस भी सबस्टेंस के पीछे एज लगा हो, क्या लगा हो, एज लगा हो, समझ लीजिए वो एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम के लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो क्या होता है, वो एज होता है। सफिक्स कौन सा यूज करेंगे मित्रों, एज सफिक्स लगाया जाता है। फिर से देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ पढ़ने में ना आ रहा हो तो एज सफिक्स लगाते हैं। जैसे कहाँ लगाते हैं, हम लोग सबस्ट्रेट में लगाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें माल्टेज एंजाइम की, किसकी बात करें, माल्टेज, एमाइलेज, लैक्टेज, ये सब क्या हैं, देखो सब जैसे जितने भी एंजाइम हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब एंजाइम होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, इनके लास्ट में एज नहीं लगा होता है, फिर भी ये एंजाइम होते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे एमाइलम सबस्ट्रेट क्या है, देखिए मित्रों एमाइलम, एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च, एमाइलम मीन्स क्या होता है, स्टार्च। हमको इसको बदलना है किस में, बदलना है हमें एंजाइम में, नोमेनक्लेचर में बताया गया भैया कि इसके पीछे क्या लगाएंगे, एज सफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज सफिक्स। तो आइए देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके जो लास्ट के टू लेटर्स हैं यूएम, इनको हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज सफिक्स को, और इससे बन जाएगा एमाइलेज, क्या बनेगा, एमाइलेज बनेगा, ये एमाइलेज एंजाइम जनरेट हो जाएगा। जैसे लैक्टोज है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे
लैक्टोज, लैक्टोज इसमें क्या करेंगे, लैक्टोज मित्रों जानते होंगे ओज सफिक्स जो होता है वो किसका होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। इसके अगर एंजाइम को देखें तो इस कार्बोहाइड्रेट वाले ओज सफिक्स को क्या करेंगे, ओज को रिमूव करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है ओज को, यहाँ पर हमें ऐड क्या करना है, ए एस ई ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ए एस ई दैट इज एज ऐड करना है। और जो हमारा एंजाइम बनेगा वो लैक्टेज बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टेज बनेगा। तो इस तरीके से इसका नामनक्लेचर किया जाता है। नामनक्लेचर करने में बस हमें एक चीज़ याद रखना है, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सफिक्स ऑफ द एंजाइम, देन आपका आंसर होगा एज इज द सफिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हम देखते हैं क्या, जो अगला हमारा इसका टॉपिक है वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में देखिए यहाँ पर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में जो मेन क्लासिफिकेशन है वो क्या है, फंक्शन के आधार पे या जो कामों के लिए ग्रुप डिवाइड किया गया है उसके आधार पर एंजाइम को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो मित्रों एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स ग्रुप, कितने ग्रुप हैं, इसको हटा रहे हैं, सिक्स ग्रुप्स, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स ग्रुप्स। यहाँ ध्यान देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कितने भागों में बांटा गया है, सिक्स, छः भागों में बांटा गया। देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग जिस समय क्लासिफाइड करते हैं एंजाइम्स को उस समय भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर ट्रिक का यूज किया है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है, फोकस करिए मेरी बात पर, ओह लूसी थैंक आई लव, ओह लूसी थैंक आई लव, दैट इज लूसी क्या है, लूसी को पर्सनिफाइड किया गया इन केस ऑफ नेचर, इट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ओके, तो आइए समझते हैं हम एक सिंपल सी, एक सिंपल सी लाइन है, इसको याद रखना है, ओह लूसी थैंक आई लव, इसका यूज किया गया आपको याद करने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टेड करने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा एक और एक सिर्फ उद्देश्य है आप किसी चीज़ को कैसे आसानी से याद कर लें। तो इसी क्रम में देखते हैं हम एक एक, इसमें देखिए आप देखिए हाईलाइट किया गया ओ एच एल टी आई एंड एल, ठीक है। अब इसमें ओ मीन्स क्या होता है, ओ से हम लोग समझेंगे, ओ से क्या निकल के आता है, ओ से निकल के आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दैट इज माई डियर स्टूडेंट्स इट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एंजाइम दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओ से हम याद रखेंगे जो एंजाइम के क्लासिफिकेशन का पहला ग्रुप है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दैट इज इसके फंक्शन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट इसके फंक्शंस को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, सो अभी हम लोग यही देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट इसमें ओ का जो एच यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हाइड्रोलेजेज, दैट इज अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम, वो क्या है, हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज इज द अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम। हाइड्रोलेज से हम लोग एक चीज याद आ रहा होगा कि दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेटेड इन द हाइड्रोलिसिस, दैट इज जल अपघटन जैसी क्रियाओं में प्रतिभाग करने वाला ये एंजाइमेटिक ग्रुप होता है। दूसरा आइए हम आगे बढ़ते हैं लूसी पर, किस पर बढ़ते हैं, लूसी पर आगे बढ़ते हैं, और लूसी का जो यल है इससे एक नया एंजाइमेटिक ग्रुप निकल के आता है, एल से हम लोग याद रखेंगे लाइजेज, एल से क्या याद रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग फोकस करेंगे लाइजेज, एल से क्या, लूसी का जो एल है उससे लाइजेज याद रखेंगे, फिर ये लूसी का भी काम खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। अब किसकी बात आती है, अब बात आती है थैंक की, थैंक का जो पहला लेटर यूज हुआ है वो टी है, और टी से हम क्या याद रखेंगे, ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस इट इज नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम, ट्रांसफरेजेस दैट इज जो भी मटेरियल्स होते हैं विद इन सेल विद इन बॉडी, उसमें जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं या उससे रिलेटेड जो भी
एसोसिएटिव सबस्टेंस होते हैं उनके ट्रांसफर में कहीं ना कहीं ये मदद करता है, ये ग्रुप मदद करता है। नेक्स्ट आई, आई दैट इज आइसोमरेजेज, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, दैट इज ये आइसोमेरिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए मतलब समावयवता काज करते हैं, इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, आइसोमरेजेज कहा जाता है। क्या कहेंगे, आइसोमरेजेज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट लव, दैट इज लव से लाइगेजेज, ये निकल के आता है यहाँ पर देखेंगे लाइगेजेज। हम लोग जानते हैं लाइगेज, लाइगेज मीन्स होती एड ज्वाइनिंग, एड ज्वाइनिंग दैट इज एसोसिएशन, दैट इज लिंकेज, अर्थात जोड़ना होता है, अर्थात जो लाइगेज एंजाइम होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। जैसे लाइगेज, जब डीएनए पॉलीमराइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा उस समय देखा होगा लाइगेज एंजाइम डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ देते हैं, तो लाइगेज ग्रुप इज द सिक्स्थ ग्रुप ऑफ द एंजाइम। दैट इज, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, एक एंजाइम के क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है, ओ लूसी थैंक आई लव, ओ से ऑक्सीडोडक्टेज, एच मीन्स हाइड्रोलेजेज, एल मीन्स लाइएजेज, टी मीन्स ट्रांसफरेजेज, आई मीन्स आइसोमरेजेज एंड एल मीन्स लाइगेजेज। दैट इज, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नाउ वी डिस्कस अबाउट टू द स्पेसिफिकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम और करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक की बात, कभी कभी क्या होता है, क्लासिफिकेशन से अगर क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, एक सिंपल से क्वेश्चन अराइज हो जाता है किसी भी एग्जाम में कि एंजाइम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हम लोगों ने पहला करेक्टर जो डिफिनीशन में पढ़ा था कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी जैव रासायनिक क्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, इनकी क्या विशेषता है, दूसरा स्पेसिफिकेशन इनका है कि एंजाइम्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, एंजाइम्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दैट इज एंजाइम अति सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, अर्थात इनकी जो सूक्ष्म मात्रा ही होती है वो किसी भी जैव रासायनिक क्रिया की दर को घटा देती है या बढ़ा देती है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पर अगर हम बात करें तो एंजाइम्स आर अनअल्टर्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम्स आर अनअल्टर्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी अभिक्रिया के अंत में जो एंजाइम होते हैं वो क्या हैं, अनअल्टर्ड का मतलब अपरिवर्तित बने रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। मतलब जब अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, उसमें हम लोग देखेंगे एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, दैट इज ई प्लस एस मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम हमें लास्ट में फिर से वैसे ही बचा रह जाता है, अनअल्टर्ड रहता है। तो किसी अभिक्रिया को शुरू कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में वैसे के वैसे बचे रहते हैं। दूसरी बात क्या है, एक तो अनअल्टर्ड की बात आई, स्मॉल अमाउंट की बात आई, बायोकैटालिस्ट की बात आई, अगली बात ये आती है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज आप ये नहीं कि जैसे एमाइलेज एंजाइम है तो सब पे काम करेगा, एमाइलेज एमाइलम पर काम करेगा, स्टार्च पे काम करेगा, उस पे काम करेगा मतलब, लेकिन दूसरे पे नहीं काम करेगा। अगर आपको प्रोटीन पे किसी एंजाइम का एक्शन देखना है तो एमाइलेज उसके लिए बेकार है, एमाइलेज स्पेसिफिक है किसके लिए, एमाइलम के लिए, स्टार्च के लिए। अगर हमें प्रोटीन पे एक्शन देखना तो उसके लिए प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, तो प्रोटीएजेज की प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेज, अगर लिपिड है तो लाइपेजेज, अगर वसा को हमें क्या करना है, वसा को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें लाइपेजेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, दैट इज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक आल्सो। नेक्स्ट अगर बात करें अगली स्पेसिफिकेशन की, अगली बात की, तो क्या होता है, एंजाइम्स ऑलवेज परफॉर्म एग्जैक्टली एट सर्टेन पीएच, मतलब एक निश्चित पीएच मान पर ही एंजाइम काम करते हैं। अगर मान लो किसी भी एंजाइम का एक सर्टेन पीएच 4.5 है, सपोज दैट, तो उस 4.5 पर ही वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर पीएच घट गया, दैट इज 3 हो गया, 5 हो गया, तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है,
दैट इज एंजाइम ऑलवेज फंक्शन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक विशिष्ट तापमान, दैट इज हम कह सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही कोई एंजाइम काम करता है। अगर मान लो कोई एंजाइम 28 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, अगर इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर 35 कर दिया जाए, 25 कर दिया जाए, तो एंजाइम उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमें लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एंजाइम क्या हैं, एंजाइम का नोमेनक्लेचर क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे याद रखेंगे। बाकी मैकेनिज्म, दोस्तों मैकेनिज्म को हम अगले दिन पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पर जुड़े रहने के लिए या हमारे चैनल के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।